आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो एक पॉइंट है कि फॉर सफिशियंट थिन वायर्स पुटिंग द इंसुलेशन अराउंड द वायर मे रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। तो ये कह रहा है कि इंसुलेशन लगाने से कहाँ पे, वायर के अराउंड, ठीक है, इंसुलेशन लगाने से वायर के अराउंड में रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर रेट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि वायर के बाहर अगर हम इंसुलेशन लगा दें तो जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है, लेकिन ये नोट कह रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द हीट ट्रांसफर रेट ऑलवेज डिक्रीजेस, इट में इंक्रीज, ठीक है। तो यहीं से बात आती है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, बट एक पॉइंट है कि टिल क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हीट ट्रांसफर रेट में विल इंक्रीज, ठीक है। आफ्टर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हीट ट्रांसफर रेट विल डिक्रीज, ठीक है। अभी इस पॉइंट को समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले एक वायर लिया, ठीक है, सो इसकी मैं कंसिडरेशन भी लिख देता हूँ साथ के साथ, कंसिडरिंग अ वायर ऑफ रेडियस आर आई इनसाइड विच हीट इज बीइंग जनरेटेड, हीट इज बीइंग जनरेटेड ड्यू टू करंट फ्लो, ठीक है। ये वायर है आपका और ये एक सॉलिड वायर है, वायर तो ऑब्वियसली सॉलिड होता है, सो एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस है या फिर सॉरी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ा और ये हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो हीट प्रोड्यूस हो रही है, मींस इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हमारे को, हमने इस पर कोटिंग कर दी, कोटिंग, इसका इनिशियल रेडियस था आर आई वायर का, हमने इस पर कोटिंग कर दी, ठीक है, टिल आर नॉट, इसका रेडियस आर नॉट जब तक नहीं हुआ तब तक हमने कोटिंग करी, और इसकी ये अगर ये रेडियस देखी जाए कोटिंग की तो ये हो गई आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। और जो कोटिंग करी है इसी को हम इंसुलेशन कह रहे हैं, वह है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के वॉट मीटर पर केल्विन। सबसे पहले इसका टेम्परेचर माना गया है टी आई, टी आई से यहाँ तक कंडक्शन होगा, ठीक है। सपोज करो कि इस वायर का टेम्परेचर टी आई है, ठीक है, और भार है एम्बियंट, ठीक है, टी आई इज ग्रेटर देन टी इनफाइनाइट, मतलब भार के टेम्परेचर से ज़्यादा है अंदर का टेम्परेचर। सबसे पहले कंडक्शन होगा, कंडक्शन के बाद यहाँ से कन्वेक्शन होगा, ठीक है, सबसे पहले कंडक्शन फिर कन्वेक्शन, तो इसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। सो पूरे प्रोसेस की बात करूं तो पूरे प्रोसेस में सबसे पहले कंडक्शन देन कन्वेक्शन, ठीक है। इंसुलेशन लगाने का पर्पस, ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन लगाने का पर्पस है कि हीट ट्रांसफर रेट को कम से कम करा जाए, मतलब इसकी अंदर जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कम कर दिया जाए, ठीक है। कभी कभार हमारा पर्पस ये होता है कि यहाँ से हमारे को हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना होता है, ठीक है, उसको भी अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारा पर्पस है कि हमारे को इसका हीट ट्रांसफर रेट कम करना है। सो सबसे पहले थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन, इन दोनों को कंबाइन करा जाए, इनकी वैल्यू शुरुआत में घटती है, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन शुरुआत में घटती है, फिर जैसे जैसे इस ये जो इंसुलेशन है इसकी थिकनेस हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, बढ़ाने के बाद देन जो कंबाइंड आपका थर्मल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। कंबाइंड थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ गया, दैट इम्प्लाइज कंबाइंड हीट ट्रांसफर रेट घट जाएगा। हमारा पर्पस था हीट ट्रांसफर रेट को कम करना, ठीक है,
हीट ट्रांसफर रेट कम कब होगा? जब आपका थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थर्मल रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब जितनी ज़्यादा इसको मोटा करते जाओगे उतना ज़्यादा ये थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप 1 mm की इंसुलेशन लगाते हो, 2 mm की इंसुलेशन लगाते हो या 3 mm की इंसुलेशन लगाते हो, मतलब इंसुलेशन की जो विड्थ है वो कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस घट जाता है। घटता क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का कारण देख लो कि आपका जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर सॉरी रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन है, क्यू ड्यू टू कन्वेक्शन इज इक्वल्स टू एच ए डेल्टा टी, ठीक है। आप जब इंसुलेशन लगा रहे हो, इंसुलेशन लगा रहे हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ा, हीट ट्रांसफर रेट, इसका मतलब हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ जाएगा। जब हीट ट्रांसफर रेट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, मतलब इंसुलेशन की मोटाई बढ़ेगी, जैसे जैसे इंसुलेशन की मोटाई बढ़ेगी, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे कंडक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। ये एच है आपका कन्वेक्टिविटी ट्रांसफर कोएफिशिएंट, या थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन भी कहते हैं इसको, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन। इस केस में ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन मतलब जो इंसुलेटर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इनकी यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। ये आपका सॉलिड वायर है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर है टी आई, एम्बियंट का टेम्परेचर है टी इन्फिनिटी। अब मैं इसका इलेक्ट्रिकल एनोलॉजी बनाऊंगा इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊंगा। आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बनाना आता तो आप इलेक्ट्रिकल एनोलॉजी वाली वीडियो देख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर टी आई, फाइनल टेम्परेचर टी इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस सबसे पहले कंडक्शन का रेजिस्टेंस लगेगा। कंडक्शन के केस में यह है आपका सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में जो आपका रेजिस्टेंस है वो होता है एल एन आर नॉट अपॉन आर आई टू पाई के एल, आर नॉट इज द रेडियस ऑफ इंसुलेशन, आर आई इज द रेडियस ऑफ द वायर, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और फिर हो रहा है कन्वेक्शन, ये हो रहा है कंडक्शन और ये हो रहा है कन्वेक्शन। ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन, ये है आपका थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन, वन अपॉन एच टू पाई आर नॉट एल, ठीक है। हीट ट्रांसफर रेट क्यू इज इक्वल्स टू टी आई माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एल एन आर नॉट अपॉन आर आई डिवाइडेड बाय टू पाई के एल प्लस वन अपॉन एच टू पाई आर नॉट एल, ठीक है। टी आई कॉन्स्टेंट है, टी इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट है, आर आई कॉन्स्टेंट है, टू पाई के एल कॉन्स्टेंट है, कंसिडरिंग एच इज कॉन्स्टेंट सो टू पाई आर नॉट एल, ये सब पूरा टर्म कॉन्स्टेंट हो गया। क्यू इज अ फंक्शन ऑफ आर नॉट, सो हम कह सकते हैं हीट ट्रांसफर इज द फंक्शन ऑफ आर नॉट, मतलब रेडियस ऑफ द इंसुलेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, फॉर मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा डी क्यू अपॉन डी आर नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, इसको ये रखते हैं। अब हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं फाइनल टर्म लिख देता हूँ, आर नॉट आ जाएगा आपका के बाई एच, सो ये आ गया आपकी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए किसका फटाफट से ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हीट ट्रांसफर रेट, ये हो गई रेडियस। सो सबसे पहले ये आपका क्यू मैक्स है, ठीक है, ये रेडियस चल रही है आपकी, ये है आपकी आर नॉट क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। एट द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ये वायर था, इस पर आपने पहले इंसुलेशन करी, ठीक है, धीरे धीरे आप इंसुलेशन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए,
एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जो इंसुलेशन की रेडियस होगी वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से मैच कर जाएगी। जहाँ पे वो मैच कर जाएगी तब जाके आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे हम इसकी थिकनेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका हीट ट्रांसफर रेट घटता जाएगा।